हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल शेयर एंड केयर विद माया आप लोग कैसे हैं उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ गाजर के हलवे की दो डिफरेंट रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि बहुत ही शॉर्टकट मेथड था बहुत समय लगता है बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता बहुत अच्छे से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है और ये मैंने लिया था क़रीब तीन आ, किलो से ज़्यादा ही रहा होगा ये गाजर बहुत ज़्यादा था और यहाँ के गाजर देखिए कैसे होते हैं ऑरेंज कलर के बहुत ही हार्ड होते हैं और इसमें ज़्यादा जूसी नहीं होते ये और मिठास भी ज़्यादा नहीं होता बट गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था बहुत ही अच्छा बना था इसके सभी के जो मैंने स्किन है वो पील कर लिए थे और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से हाथ से रगड़ रगड़ के कई बार वॉश किया और फिर बाद में उसे हमने उसे ग्रेट किया था मेरे बच्चों ने मुझे काफ़ी हेल्प की ग्रेट कराने में हम तीनों ने मिल के गाजर जो है वो ग्रेट किया था यहाँ के गाजर इसी तरह के कलर के होते हैं और ये देखिए हमारे इंडिया में इस तरह के रेड कलर के जूसी और बहुत ही मीठे गाजर मिलते हैं बट यहाँ पे ऐसे ऑरेंज कलर के गाजर होते हैं और काफ़ी न, मतलब स्वीटनेस नहीं होता उसमें ज़्यादा बट हेल्दी होते हैं ज़रूर सो so, हमने ये शुरू किया था अब ये इतने ज़्यादा गाजर थे और मैंने बनाना शुरू किया था मैंने पहले पैन में कढ़ाई में अपने थोड़ा सा घी डाला और उस ज़रूरत नहीं है हम डायरेक्ट भी दूध इसमें ऐड कर सकते बट मैंने थोड़ा सा घी स्टार्टिंग में डाला और फिर इसमें थोड़ा सा दूध मैंने ऐड किया बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और हम इसे ढकने के बाद भी ये थोड़ा भी नहीं बैठेगा या अपना पानी नहीं रिलीज करेगा क्योंकि ये बहुत हार्ड टाइप के गाजर होते हैं तो बिल्कुल मुझे स्पेस नहीं मिलेगा इस पर इसे चलाने का और ये बहुत ज़्यादा फुल था तो मैंने इसमें से एक एक मतलब बर्तन में मैंने काफ़ी सारा गाजर जो है वो निकाल लिया ये सोच के कि मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा डिफरेंट मेथड में इसे बनाऊंगी और वो भी आपके साथ में मैंने शेयर किया है तो so, ये देखिए काफ़ी फुल था ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ गाजर था कढ़ाई में ऐसे देखने में लग रहा है कि स्पेस तो है बट एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा भरा था उसमें से मैंने इतना सारा गाजर जो है वो निकाल लिया था और फिर उसे मैंने बाद में बनाया था अब ये गाजर जो है वो दूध जो है फुल फुल्ली कवर्ड दूध इतना हमें उसमें ऐड करना है मैंने भी ये तीन किलो गाजर में करीब करीब आधा गैलन दूध यूज़ किया था तो ये तीन किलो तो नहीं था बाद में मैंने इसमें से काफ़ी कुछ निकाल लिया था करीब एक किलो के बराबर तो मैंने निकाल लिया था तो फिर भी इसमें उतना ही गैलन आधा गैलन मीन्स करीब करीब दो लीटर मिल्क जो है वो इसमें था और उसे हमें बस बीच बीच में ओकेशनली आके थोड़ा सा चला देना है और दूध को उसी में अपने आप ही पकते रहने देना है और जिसे वो दूध जो है वो पक पक के अच्छे से मावा या खोआ बन जाएगा उसी में और हर हमें कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल लाइन नहीं काम करना है बस दूध को उसी में पकाते रहना है भीगे रहे वो और फिर दूध पकते 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 अपने आप उसी में वो खोआ बन जाएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर होगा जो गाजर का यहाँ पे गाजर का जो स्वीटनेस नहीं है और एक आ, बहुत ही आ, मतलब डिफरेंट टाइप का एक टिपिकल फ्लेवर है वो बिल्कुल चला गया था और बहुत ही टेस्टी अच्छा गाजर बना था ये देखिए दूध पकते पकते काफ़ी इसमें से जो है दूध गायब हो गया है और लेकिन अभी भी है हम इसमें इसे अभी भी बहुत ज़्यादा पकाना बाकी है और ये देखिए मैंने शुगर ऐड किया है ये ब्राउन शुगर है तो आ, इस बार मैंने ब्राउन शुगर का बहुत ही बड़ा मतलब एक पैकेट लाया है ऑलमोस्ट ट्वेंटी पाउंड्स का तो वो मुझे अभी वही यूज़ करना है ख़त्म करना है पहले तो ये बहुत अच्छा था इससे कुछ भी टेस्ट में डिफरेंस नहीं आया और हेल्दी वर्जन है तो इस वजह से मैंने मैं आजकल ये ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ तो ये देखिए किस तरह से मेल्ट हो रहा था ब्राउन शुगर अच्छा लग रहा था देखने में गुड़ जैसा तो ये देखिए अभी अच्छे से हमारा जो शुगर भी उसमें ऐड मेल्ट हो गया है और ये काफ़ी अभी भी इसमें लिक्विड दिख रहा है हमको तो ये हमें और भी ज़्यादा पकाना है ये इलायची का पाउडर है ये ग्रीन इलायची जो छोटी इलायची होती है छोटे काडमंड पाउडर इलाई होते हैं उसके पाउडर है ये और ये देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा दूध जो है वो इसमें से आ, मतलब डिसअपेयर होते जा रहा है बट अभी भी इसे हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है और जितना हो सके हम इसे चलाते रहें चलाते रहें बीच बीच में और फिर बाद में थोड़ा सा हम उसे छोड़ दें लेकिन बस चलाते रहें जितना फास्ट हम चलाते रहेंगे तो उतनी जल्दी हमारा गाजर का हलवा बस रेडी ही होने वाला है और ये मैंने फिर से थोड़ा सा घी ले लिया था हमारे तड़का पैन में और काजू या और भी जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स इसमें पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं और वो इसमें ऐड कर सकते हैं मुझे काजू ही ज़्यादा पसंद है और कश्मिश और बाकी और जो आपको पसंद है वो आप ऐड करके फ्राई करके जिससे इसका जो गन, जो नट्स का जो एक क्रंची फ्लेवर जो है वो रहे इसमें और अच्छा लगे टेस्ट में फिर ऊपर से गार्निश करने के वक्त भी आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप ऊपर से गार्निश कर सकते हैं ये हमारा गाजर का हलवा जो है वो रेडी हो चुका था और ये अब मैंने इसे ऊपर से, से गार्निश कर दिया था ये एक वैरायटी ऑफ गाजर का हलवा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा ये एक्चुअली रियल जो गाजर का हलवा इस तरह से ही बनता है कि बहुत कम से कम चार घंटे लगे थे इसे बनने में और ये बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ था अब ये जो सेकेंड मेथड है ये आधे समय में बनेगा मतलब ऑलमोस्ट डेढ़ से दो घंटे लगेंगे इसको भी बनने में उससे जा उससे मतलब इंस्टेंट नहीं है ये गाजर में ऐसा ये और स्पेशली यहाँ के गाजर में तो इंस्टेंट बनाना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज गाजर का बिल्कुल फ्लेवर नहीं होता वो इतना ज़्यादा हार्ड और एक अलग ही टाइप का फ्लेवर है वो तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा अगर गाजर का हलवा हम इंस्टेंट बनाएंगे तो इसमें तो हमें अच्छे से पकाना ज़रूरी ही था तो वो भी डेढ़ से दो घंटे लगे बट उससे जो है वो हाफ़ जो टाइमिंग लगा था हमें ड्यूरेशन और बन के रेडी हुआ था बट टेस्ट बहुत ही अच्छा था कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था इसमें दो लीटर दूध लगे थे इसमें सिर्फ एक कप दूध लगा है और बहुत ही टेस्टी गाजर हुआ था ये ये भी मतलब हलवा रेडी हुआ था अब मैंने इसे प्रेशर कुकर में बनाया था तो ये मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया था और दो सीटी मैंने दो विसल दिया था और आप चाहें तो तीन विसल भी दे सकते हैं और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी इसे ढक्कन खोलने में देखिए Uh, काफ़ी मुझे टेंशन था कि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए क्योंकि मैंने इस तरह से ये सेकेंड टाइम बनाया था हमारे मेरे अभी तक के मतलब किचन के जो लाइफ में क्योंकि एक बार फर्स्ट टाइम बनाया था तो इसका कलर एकदम ही ब्राउन हो गया था इंडिया में फ़र्स्ट टाइम मैंने जब गाजर का हलवा प्रेशर कुकर में बनाया था तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था कि इसका भी कलर ऐसा चेंज ना हो जाए तो लेकिन ये नहीं चेंज हुआ था बस मैंने ऐसे ही पता नहीं उस बार मैंने कैसे बनाया था जो कलर एकदम चेंज हो गया था ब्राउन ब्राउन हो गया था गर, गाजर का हलवा ब्लैक लग रहा था एक्चुअली पता नहीं कुछ अजीब ही था टेस्ट अच्छा था बट कलर बहुत ही बेकार था तो ये जो है इसका कलर बिल्कुल वैसे का वैसा था और बहुत ही अच्छा टेस्ट ये भी बना था और यहाँ पे देखिए मैंने दूध बस एक कप ऐड किया था करीब करीब ढाई सौ या एक ग्लास के बराबर और ये मैंने मिल्क पाउडर यूज़ किया है आधा मतलब आधा कप है वन फोर्थ वन फोर्थ करके टू कप्स मैंने वो ये ऐड किया तो ये हाफ कप के बराबर का मिल्क पाउडर ऐड किया था ये खोए का, का काम करेगा और इसे भी हमें काफ़ी देर तक ऐसे ही चलाते रहना था कंटीन्यूसली और इसमें मैंने घी भी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है इसका क्वांटिटी भी कम है लास्ट टाइम जो गाजर के हलवे से बट ये देखिए दूध इसमें भी पके जा रहा है और यहाँ पे मैंने एक कप जो है मेरा शुगर ऐड किया है और इलायची पाउडर और जो भी आपको और कुछ इसमें ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं मैंने इसमें अब उसी तरह से तड़का दे के आई मीन I घी mean, में मैंने फ्राई करके ऐड किया था काजू और इसे फिर कंटिन्यूस चला रहे थे और ये स्टील का होने की वजह से और ये जो मिल्क पाउडर है वो भी खोआ बन रहा था तो नीचे बहुत ही स्टिक हो रहा था बर्तन में तो इस वजह से मैंने इसे जो है वो चेंज कर लिया इसका जो ये जो जिस बर्तन में मैं बना रही थी उससे मैंने इसे नॉन स्टिक कढ़ाई में ऐड कर लिया अच्छे से और अच्छे से फिर उसके बाद में ये ज़्यादा समय नहीं लगा जल्दी से बन गया और ये देखिए हमारा फ्राई करते करते मतलब तो काफ़ी टाइम लगा था इसमें भी बट हो गया था और बहुत ही टेस्टी और अच्छा बना था ये गाजर का हलवा भी और आप ज़रूर ट्राई करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी खिलाना श्योर sure सभी को बहुत पसंद आएगा ये वाला गाजर का हलवा दोनों स्टाइल का और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी यू सोन बाय टेक केयर